हेलो गाइस, आज मैं फिर आपको जय भीम एप्लीकेशन के बारे में बताने आया हूं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जय भीम एप्लीकेशन का टर्म एंड कंडीशन आपके सामने दिख रहा है और लोगो भी दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप आप यहां पे एप्लीकेशन का नाम आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे जय भीम एप्लीकेशन का हैशटैग भी आपके सामने दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अर्निंग करने के लिए दिया है जय भीम एप्लीकेशन का। आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है स्कैन करें, डाउनलोड करें, शेयर करें, अपलोड करें, हर एक वीडियो पे 1800 रुपये तक इनाम पाएं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा जय भीम एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन लगाया गया है। नोटिफिकेशन यानी कि नोटिस लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस एप्लीकेशन ने बहुत सारी नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इस एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपको बता देता हूं। तो आपको लेके चलता हूं सीधा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको जय भीम एप्लीकेशन यहां पे सर्च करना है। जय भीम ऐप डालने के बाद आपके सामने सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जय भीम एप्लीकेशन दिख ही नहीं रहा है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने प्ले स्टोर में सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद आपको लेके चलता हूँ क्रोम पे। क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जय भीम ऐप डाल देना है। जय भीम ऐप डाल के सर्च करना है। जैसे आप जय भीम ऐप को डाल के सर्च करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्रोम पे जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको टर्म एंड कंडीशन और अर्निंग के बारे में बताया था। अगर आप जय भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जय भीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है और गूगल क्रोम से भी हटा दिया गया है। आप सर्च करोगे तो आपको जय भीम एप्लीकेशन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड जय भीम लिखा है, तो मैं आपके सामने डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फिर वही पेज खुल के आपके सामने आ जा रहा है। यानी कि अगर आप जय भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहोगे तो आप जय भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। लेकिन जय भीम एप्लीकेशन के दावे बहुत बड़े बड़े हैं कि अगर आप जय भीम एप्लीकेशन को स्कैन करते हो, डाउनलोड करते हो, पोस्ट करते हो तो आपको 1800 रुपये तक इनकम हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से आपको बेवकूफ बना रही है। अगर आप जय भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करना चाहते हो तो जय भीम एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। स्क्रॉल करके एक बार आपको नीचे की तरफ भी लेके चल के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है गूगल प्ले। ओके, अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जय भीम एप्लीकेशन ओपन होता है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हो डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। अगर आप जय भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपको और हमको जो है बेवकूफ बना रही है। तो आप एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मार्केट में और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वीडियो बनाइए और अर्निंग कर लीजिए। अगर ये एप्लीकेशन ओपन हो भी जाएगा, अच्छे से वर्क करने लगेगा तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताओ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो जय भीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से और गूगल क्रोम से भी हटा दिया गया है। तो एक बार मैं आपको गूगल से भी चेक करके दिखा देता हूँ कि गूगल पे भी दिख रहा है जय भीम एप्लीकेशन कि नहीं दिख रहा, तो आपको यकीन हो जाएगा। तो मैं गूगल आपके सामने ओपन कर लिया, यहाँ पे भी डाल देता हूँ जय भीम ऐप डाल दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस खुल रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे भी क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, और जैसे ही मैं डाउनलोड पे लगा रहा हूँ तो बैक हो जा रहा है। यानी कि डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। जय भीम एप्लीकेशन ओपन हो रहा है क्रोम पे और गूगल पे, आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जय भीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया है, गूगल क्रोम से भी बैन कर दिया गया है और गूगल से भी बैन कर दिया गया है। अगर जय भीम एप्लीकेशन ओपन होने लगता है तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।